हाय फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूट्यूबर दोस्त पूनम में। दोस्तों, आज के थंबनेल से आप सबको पता चल गया होगा कि आज का जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे होने वाला है। एक्चुअली मैंने फ्लिपकार्ट से बहुत सारी शॉपिंग कर ली है एंड बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो मुझे रिसीव हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि चलिए उसका जो रिव्यू है वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाए हैं वो आपको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए, कैसे हैं कैसे नहीं हैं, सब आगे की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। जितने भी प्रोडक्ट हैं जिनका मैं रिव्यू कर रही हूँ, सारी की सारी फोटो जो है और उनका रेट है वो मैं स्क्रीन पे लगाती जाऊंगी, आप सब लोग देख लीजिएगा। अगर आपको जरूरत हो तो ये चीजें जो है वो आप मंगवा सकते हैं, अगर आपकी मर्जी हो तो, क्योंकि मैंने ये सारे चीजें जो है वो पैसे देके खरीदा है, कोई पेड प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है, खुद के पैसों से खरीदा है। तो आपकी मर्जी करे तो आप लो, आपकी मर्जी ना करे तो ना लो। अगर आपको जरूरत हो तो बेशक आप इन चीजों को ले सकते हैं, बजट में है सारी चीजें। तो चलिए एक एक करके सारा जो रिव्यू है वो मैं शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले एक बेडशीट है, उसका रिव्यू मैं करने जा रही हूँ। तो जो बेडशीट है चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो ये पिंक कलर की कुछ इस तरीके से बेडशीट है, फोटो मैं मेंशन करूंगी तो फोटो में आपको समझ में आएगा कि किस तरीके की जो बेडशीट है उसका जो रिव्यू है वो मैं कर रही हूँ। ये कुछ इस तरीके से है, बेबी पिंक कलर है इसका। एंड अगर मैं फोटो की बात करूँ तो फोटो में मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, सामने से उतनी सुंदर नहीं लग रही है क्योंकि जो फोटो थी उसमें कलर जो है वो डार्क आया था। देन जब मुझे रिसीव हुई तो इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा फेड है, एकदम से लाइट कलर है। तो जैसी फोटो, मतलब जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है सेम वैसे ही कलर है, लेकिन फोटो में का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा था। ये जो बेडशीट है ये मुझे बहुत कम प्राइस में मिल गई है, एंड रिसेंट में भी अगर आप इसको खरीदेंगे तो उतने ही प्राइस में आपको भी मिल जाएगी। 204 या 206 रुपए की जो बेडशीट है ये मैंने खरीदी है। एंड सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो पिलो कवर भी इसमें साथ में दिए गए हैं, एक नहीं दो पिलो कवर जो हैं वो दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले पिलो कवर जो है वही दिखा देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से ये देखिए, ये देखिए, ये पिलो कवर मिक्की माउस जो है वो बना हुआ है और आपकी जो पिलो है वो फुल साइज़ है पूरी एकदम से। तो इस तरीके से जो पिलो कवर है वो आपको रिसीव हो जाते हैं। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि वीडियो में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, कलर बहुत अच्छा उभर के आ रहा है, सामने से जो कलर है वो उतना अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम से लाइट कलर है तो उभर के नहीं आ रहा है। दोनों पिलो कवर हैं इस तरीके से आपको मिल जाती हैं। तो पिलो कवर सेम मिली है क्योंकि मैंने बहुत सारे रिव्यू किए हैं, तो उसमें जो पिलो कवर है वो अलग अलग मिल जाती है, इसके साथ ये पंगा नहीं है, सेम पिलो कवर मिले हैं। एंड अब बेडशीट देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से बेडशीट है, एंड यहाँ पे ये देखिए, जितनी भी पूरी अगर मैं खोलती जाऊँगी तो डबल बेड की बेडशीट है एंड पूरी सेम है, मतलब ये कलर जो है वो पिंक है, एकदम से बेबी पिंक कलर है और पूरी बेडशीट में इस तरीके के मिक्की माउस जो है वो बने हुए हैं। बिछाने के बाद कैसी लगती है वो मैं स्क्रीन पे फोटो जो है वो मेंशन कर दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ है ये। एंड मैं अगर क्लॉथ की बात करूँ तो जो कपड़ा है वो प्योर कॉटन है, इसलिए अगर कलर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है तो जाने दो, क्योंकि इतने कम प्राइस में एकदम से कॉटन बेडशीट मिल जाना मुझे नहीं लगता है कि कहीं पॉसिबल होगा। अगर हम लोकल मार्केट से भी खरीदेंगे तब भी नहीं मिलेगी। इसका जो रेट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, 204 या 206 रुपए में मतलब कॉटन बेडशीट मिलना ना के बराबर है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो बेशक आप इसको ले सकते हैं। अब जो दूसरा प्रोडक्ट है वो है एक साड़ी, चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की साड़ी है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगी फोटो के किस तरीके से मैंने देखी थी, तो मैंने ऑर्डर करी थी इस तरीके से ये साड़ी है। एंड मैं बताऊं कि मैंने इसको काफ़ी पहले ले लिया था एंड इसका जो रिव्यू है वो मैं अभी कर रही हूँ। मैंने इसको अराउंड 3 से 4 बार जो है वो वॉश कर लिया है इस साड़ी को, तो आफ्टर वॉश का जो रिव्यू है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ब्लाउज़ की, तो जो ब्लाउज़ है वो आपको कुछ इस तरीके से मिल जाता है, पूरा भरा हुआ ब्लाउज़ मिलता है इस तरीके से। अच्छा, मैंने क्या है उल्टा उल्टा बनवाया है, मतलब मैंने बैक से इस तरीके से बनवा लिया है एंड आगे से इस तरीके से बनवा लिया है, सिंपल सा। एंड पीछे पूरा जो वर्क है वो मैंने दे दिया है क्योंकि नेक जो है वो हिसाब से नहीं बैठ रहा था, तो मैंने पीछे जितनी भी डिज़ाइन है वो पीछे लगवा दिए इस तरीके से। तो अगर मैं ब्लाउज़ की बात करूँ तो ब्लाउज़ का कपड़ा जो है वो वेलवेट है, बहुत अच्छा वाला वेलवेट नहीं है लेकिन हाँ ठीक है वेलवेट। एंड एकदम से डार्क ब्लू कलर का ये ब्लाउज़ है एंड थ्रेड से इसमें जो वर्क है वो किया गया है गोल्डन एंड ग्रीन थ्रेड से, पूरा ये वर्क जो है वो आपको मिल जाता है इस तरीके से। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा बड़ा भी ब्लाउज़ जो है वो बनवा सकते हैं, कपड़ा थोड़ा मतलब ज्यादा था लेकिन डिजाइन जो है वो मतलब थोड़ी सी कम लग रही थी, इस वजह से मुझे इस तरीके से जो ब्लाउज है वो बनवाना पड़ा है। तो ये इस तरीके से जो ब्लाउज है वो
मिल जाता है आपको। तो आप चलिए साड़ी की बात कर लेते हैं। तो जो साड़ी है वो कुछ इस तरीके से दी गई है। जो कलर है वो है ग्रीन कलर एंड समुद्री जो हरा होता है वो वाला कलर है। एंड हो सकता है कि आप वीडियो में आपको थोड़ा सा ब्लू ब्लू कलर देखे तो उस तरीके से दिख सकता है, लेकिन कलर जो है वो ग्रीन है। यहाँ पे पूरी साड़ी में आपको बॉर्डर जो है वो मिल जाता है। बहुत ही अच्छी क्वालिटी का तो नहीं, लेकिन हाँ ओके ओके टाइप का वेलवेट जो है वो लगा के दिया गया है पूरी साड़ी की जो बॉर्डर है। और यहाँ पे इस तरीके से थ्रेड से वर्क जो है वो किया गया है, गोल्डन एंड ग्रीन का जो वर्क है वो आपको मिल जाता है। तो इस तरीके से साड़ी जो है बाकी पूरी प्लेन है, बस ये जो बॉर्डर है ये आपको मिल जाता है। अगर मैं साड़ी की लेंथ की बात करूं तो जो साड़ी की लेंथ है वो मुझे कम पड़ रही है। मतलब जब आप प्लेटें बनाते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं बनती हैं, थोड़ी प्लेटें बनती हैं। तो साड़ी की जो लंबाई है, मतलब अगर मैं खड़ी खड़ी बात करूं तो अच्छी है, लेकिन लंबाई की बात करूं अगर तो 5 मीटर की साड़ी मुझे लग रहा है कि नहीं होगी, शायद थोड़ी कम पड़ रही है, प्लेटें बहुत ज्यादा नहीं बन रही हैं। तो साड़ी के साथ ये पंगा है। एंड अगर मैं कपड़े की बात करूं, क्लॉथ मटेरियल, तो वो सिल्क है, ठीक है कपड़ा, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है कपड़ा। मतलब रेट के हिसाब से मुझे जो साड़ी है वो काफ़ी अच्छी लगी। बस इसका माइनस पॉइंट यही है कि जो साड़ी है वो थोड़ी सी छोटी है। जब प्लेटें जो लोग बहुत ज़्यादा बनाते हैं या बहुत ज़्यादा जो लोग मोटे हैं उनको ये साड़ी थोड़ी सी छोटी पड़ सकती है, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं है लेकिन हाँ थोड़ी सी छोटी जो है पड़ रही है। जैसे बराबर की जो साड़ियाँ होती हैं उनमें हम 8 से 10 प्लेटें जो है वो बना सकते हैं, तो इसमें 4 से 5 प्लेटें बनती हैं। बस ये साड़ी के साथ दिक्कत है। एंड इस साड़ी के साथ मुझे एक और चीज़ मिली है, मतलब पर्स जो है वो मिली है, चलिए वो भी दिखा देती हूँ। तो एक ये पर्स है जो इस साड़ी के साथ मिली है, एकदम से मैचिंग मैचिंग लग रही है। एंड आप अगर इस साड़ी को किसी पार्टी में पहनना चाहते हैं तो ऑब्वियसली पहन सकते हैं, क्योंकि पर्स जो है वो हम इजिली इसको कैरी कर सकते हैं। तो पर्स जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, ऊपर से काफ़ी अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, पकड़ने के लिए भी दिया हुआ है एंड ऊपर से काफ़ी अच्छी है। हाँ अंदर से जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी तो नहीं है, लेकिन हाँ साड़ी ठीक है, पर्स इस तरीके से दिया गया। अंदर आप यहाँ पे एक जो जिप है वो मिल जाती है, इसके अंदर आप मतलब कैसे चिल्लर वाले पैसे जो हैं वो इसके अंदर रख सकते हैं, बाकी फ़ोन वगैरह जो है वो रख सकते हैं। मुझे लगता है इजीली 2 फ़ोन, आप बड़े बड़े जो स्मार्ट फ़ोन होते हैं वो आप 2 फ़ोन रख सकते हैं इसके अंदर। एंड अंदर पैसे भी रख सकते हैं, या आप फ़ोन या पैसे नहीं रखना चाहते हैं तो आपका मेकअप का सामान जो है वो आ सकता है इसमें। तो इस तरीके से आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर आपके घर में किसी की शादी है तो आप देना चाहते हैं तो बेशक आप ये वाली जो साड़ी है दे सकते हैं, क्योंकि पूरा जो है वो बन रहा है। सबसे बड़ी बात इसका जो पर्स है वो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो किसी को देना चाहते हैं किसी की शादी में तो ये साड़ी दे सकते हैं, आप पार्टी में पहनने के लिए अपने लिए लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे अभी सावन आ रहा है, बहुत सारे लोगों को हरा हरा पहनने का मन करता है, तो आप ये साड़ी जो है वो ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो, अगर नहीं ज़रूरत है तो बिल्कुल मत लीजिए, अगर ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं। तो ये तो रही साड़ी और बेडशीट की बात। अब एक पर्स का रिव्यू करने वाली हूँ। ये पर्स है येलो कलर का, ये मैंने ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से। इसका लेदर है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात ना मुझे ये कलर काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मैंने नाना करते हुए फिर भी बहुत सारे कपड़े जो हैं वो येलो ले लिए, चाहे मेरी साड़ी हो, टॉप हो, या कोई कुर्ती वगैरह हो, सूट हो, येलो मेरे पास इतना ज़्यादा हो गया है कि मैंने सोचा एक पर्स जो है वो येलो ले ही लेती हूँ। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, एंड काफ़ी बड़ी नहीं थी, काफ़ी छोटी नहीं थी, मतलब मीडियम साइज़ था, तो मैंने कहा चलिए ले लेती हूँ, अच्छी लग रही थी। एंड ये जो पर्स है वो काफ़ी सॉफ्ट है सबसे बड़ी बात, एंड इसका कलर जो है वो उभर के आ रहा है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड जैसा मैंने फ़ोटो में देखा था सेम वैसी मुझे रिसीव हुई है। अगर मैं पर्स की बात करूँ तो इस तरीके से अंदर से आपको मिल जाती है, अंदर आपको एक पॉकेट जो है वो मिलती है, लेकिन उसमें कोई भी चैन वगैरह जो है वो नहीं लगी है। एंड यहाँ पे भी कोई भी चैन या कुछ नहीं आपको मिलता है, बस एक ये छोटा सा सपोर्टर जो है वो मिल जाता है, एक छोटा सा बटन दिया गया है, बस इसको इस तरीके से आप लॉक कर सकते हैं, बाकी कहीं से कुछ नहीं है इस तरीके से। और फोटो है वो भी मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। तो ये कुछ पर्स है, ये कुछ इस तरीके से हैं, एंड काफ़ी अच्छा पर्स है, बहुत ज़्यादा तो मतलब मजबूत नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, एक एक सिलाई जो है वो यहाँ पर दी गई है इस तरीके से, और पूरा इस तरीके से जो है वो बना हुआ है, ये देखिए इस तरीके से। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कलर, एक तो मुझे येलो कलर ही चाहिए था, तो येलो कलर में ये वाला जो पर्स है एकदम से देखिए एकदम सॉफ्ट है, कैसे भी आप इसको कैरी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी लग रही थी मुझे, तो मैंने इसको परचेस कर लिया। तो ये रहा पर्स, अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। एंड ये है एक वन पीस लॉन्ग ड्रेस, एंड ये मैंने देखी, मैंने इसको फोटो लगा दूंगी, हाँ ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि जो डिज़ाइन है वो कैसी है। इस तरीके से ये जो ड्रेस है ये आपको मिल जाती है। अगर मैं क्लॉथ मटेरियल की बात करूँ तो जो कपड़ा है वो है लैक्रा, एंड
तीन कलर में ये आपको मिल जाती है। स्लीव्स जो हैं वो पूरी फुल दी गई हैं इस तरीके से। स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो आप अगर मोटे भी हैं तो भी आप इसको इजीली पहन सकते हैं। वैसे इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन हैं एंड मतलब बहुत सारे साइज अवेलेबल हैं, आप इसको ले सकते हैं। तो इस तरीके से इसकी जो डिज़ाइन है वो दी गई है, एकदम से सिंपल सा है, कहीं से भी कोई भी ताम झाम वर्क कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है एंड बहुत मतलब पहनने के बाद एकदम से स्टाइलिश जो लुक है वो देता है। तो यहाँ पे इस तरीके से जो लॉन्ग ड्रेस है पूरा यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे जो तीन कलर है वो आपको मिल जाते हैं। नेक जो है वो पूरा सा इस तरीके से गोल दिया गया है, बाकी इसमें कोई भी डिज़ाइन कुछ नहीं, एकदम से सिंपल सा है। नीचे से आपका पूरा जो है वो ब्लैक मिल जाता है इस तरीके से, पूरी वन पीस फुल ड्रेस है। एंड नीचे से अगर मैं बात करूँ तो नीचे से यहाँ पे एक छोटा सा कट जो है वो दिया गया है इसको एकदम से स्टाइलिश बनाने के लिए, तो यहाँ से एक छोटा सा कट दिया गया है। लुक इसका जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, जब मैंने इसको वियर किया तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अच्छा है, आप इसको ले सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है तो। लास्ट मेरे पास क्या है वो है एक कफ्तान। तो ये कफ्तान है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि मुझे येलो कपड़े मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गए हैं, फाइनली ये वाला जो कलर है ये मैंने फिर से मंगवा लिया। मतलब येलो कहीं भी देखती हूँ, जैसे मैंने बहुत सारे कपड़े हैं इधर उधर किए, लास्ट में क्या हुआ येलो ही उठा लिया, मुझे यही अच्छा लग रहा है। मेरे साथ पता नहीं क्या पंगा हुआ है, येलो कलर बहुत ज़्यादा कपड़े हो गए, फाइनली अब मैं नहीं लेने वाली हूँ, ऐसा बोलती हूँ लेकिन हो नहीं पाता है। तो ये एक तरीके का कफ्तान है, ये कुछ इस तरीके से, एंड इसका कलर सच में मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको ऑर्डर कर दिया। एंड जैसा मैंने सोचा था सेम वैसे ही मुझे रिसीव हुआ है, बस इसका जो रेट है वो मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा है। 999 में मिला है, मतलब 999 रुपए में, और ये मैंने सेम पीस जो है वो अभी बाकी साइट्स में चेक किया है तो वो मुझे लग रहा है कि 500-600 के अराउंड मिल रहा है। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मतलब दुख हुआ कि मैंने इसको इतना महंगा क्यों ख़रीद लिया, लेकिन कोई नहीं, पसंद भी कोई चीज़ होती, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको ख़रीद लिया। एंड अगर मैं बात इस कफ्तान की तो ये कफ्तान जो है वो कुछ इस तरीके से है, ये देखिए इस तरीके से बीच में इसमें डिजाइन बनी हुई है एंड ये नीचे तक इस तरीके से जाता है आपका, ये देखिए। एंड अगर मैं इसके कपड़े की बात करूं तो जो कपड़ा है इतना मतलब इतना ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है, अगर मैं बोलूं कि कॉटन का कपड़ा है तो मुझे लगता है कॉटन का तो नहीं है कपड़ा, लेकिन जो भी है कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। एंड मेरे से पूछा जाए कि कौन सा कपड़ा है तो शायद मुझे नहीं पता कि कौन सा कपड़ा है, लेकिन अच्छा लग रहा है, कलर बहुत अच्छा है, कपड़ा जो है एकदम से सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बीच बीच में जो डिज़ाइन दी गई है वो काफ़ी अच्छी लग रही हैं। एंड अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो मैंने यहाँ पे साइज़ जो है वो स्मॉल साइज़ मंगवाया है, देखिए ये देखिए ये देखिए स्मॉल साइज़ जो है वो मैंने मंगवाया है। एंड स्मॉल साइज़ भी जो है वो मुझे थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, मतलब थोड़ा ढीला हो रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा सा ढीला जो है वो मुझे हो रहा है। बाकी जैसा मैंने मंगवाया था सेम का सेम वैसा है, मैंने रिव्यू पढ़े दिल खुश हो गया, मतलब लगा अभी मंगवा लेती हूँ कहीं आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको तुरंत ऑर्डर कर दिया। एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है, सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड अगर मैं आगे से बात करूँ, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक कफ्तान का रिव्यू किया था, वो आगे से बांधने वाला था, शायद एक या दो किया था, एक ग्रीन कलर का एक ब्लू कलर का, वो भी आगे से बांधने वाले थे। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसमें बांधने के लिए कुछ भी नहीं, एकदम से सिंपल सा है, बस आपको वियर करना है ईजिली। आप किसी के साथ मतलब आप इसको वाइट कलर के पैंट के साथ या स्कर्ट के साथ या आप जैगिंग के साथ या आप लेगिंग के साथ किसी के साथ भी आप इसको पहनेंगे ना तो मतलब इतना अच्छा लुक आ रहा है, सच में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। बस ये मुझे थोड़ा सा ढीला पड़ रहा है तो मुझे इसकी फिटिंग जो है वो करवानी पड़ेगी। बाकी अगर मैं बात करूँ तो सच में ये जो कफ्तान है वो काफ़ी अच्छा है। अच्छा एक माइनस पॉइंट तो सुन लीजिए, इसका एक माइनस पॉइंट है वो क्या है कि इसका जो कपड़ा है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, ये देखिए इस तरीके से मैं आपको दिखा दूँ क्योंकि बहुत सारे लोग खरीदते हैं ना तो उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। ये देखिए इस तरीके से मतलब दिख रहा है ना, तो ये इसका जो कपड़ा है वो ट्रांसपेरेंट है, आपको इसके अंदर कोई भी इनर वगैरह जो है वो कैरी करनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर ये मतलब थोड़ा सा जो फिनिशिंग है वो उतनी अच्छी नहीं देगा। तो इसके साथ अगर आप कोई जो इनर वगैरह पहनती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, येलो कलर का कोई मैचिंग करवा के पहन लीजिए तो बहुत सुंदर लुक आने वाला है। सारे जो रिव्यू हैं वो मैंने कर दिए हैं, तो इतने सारे जो प्रोडक्ट हैं वो मैंने मंगवाए हैं एंड इसमें से सबसे ज़्यादा आपको कौन सा अच्छा लगा, अपनी जो राय है वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। आज का वीडियो बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स।